हेलो दोस्तों, मैं हूँ इमरान और आप देख रहे हैं इमरान अली खान टेक्निकल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड अभी मैं ऑनलाइन कनेक्ट हूँ मेरी क्लाइंट की पीसी पे रियलमी 5i RMX 2030 अनलॉक करूँगा। ठीक है फ्रेंड, तो क्लाइंट के पास फाइल रेडी है और मैंने टूल भी ओपन कर दिया। ठीक है फ्रेंड, तो ये ऑनलाइन होता है। अब बहुत से भाई बोलते हैं कि ये ऑफलाइन टूल दे दो, ऑफलाइन टूल दे दो। उनको बताना चाहता हूँ, या तो UEFI बॉक्स से करो या फिर ऑनलाइन कराओ। ठीक फ्रेंड, ये एरर आया, मैं क्लाइंट को रिकनेक्ट करने के लिए बोलता हूँ, शायद उसने बहुत देर से कनेक्ट कर रखा होगा EDL में। देखो, ये एरर इसलिए भी आता है कि एक तो पोर्ट का प्रॉब्लम होता है, डाटा केबल का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, जो भी ऑनलाइन कराए भाई, वो अच्छा सा डाटा केबल ले और एक दो बार चेक कर ले मोबाइल को कि ड्राइवर बराबर ले रहा कि नहीं ले रहा। और रियलमी प्राइस के बात बता देता हूँ मैं आपको, रियलमी प्राइस पर डे अप डाउन होता रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम, तो सेम प्राइस नहीं रहता। मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा आपको, वहाँ से आप मेरे से अनलॉक करवा सकते हो। रियलमी, ओप्पो, सैमसंग, होनर, MI, ऑल मॉडल, नोकिया भी। तो फ्रेंड, क्लाइंट शायद नोटपैड पे नहीं देख रहा, उसको कॉल करना होगा। उसको मैंने नोटपैड पे तो बता दिया रिकनेक्ट वर्जन 1.2 से, लेकिन वो नहीं देख पा रहा है, शायद उसको कॉल ही करना होगा। तो मैं कॉल करता हूँ दूसरे मोबाइल से। तो मैंने क्लाइंट को रिकनेक्ट करवा दिया मोबाइल। देखो, फ्लैशिंग भी स्टार्ट हो चुका है। और आपको एक मॉडल भी बता देता हूँ, कौन सा मॉडल है। ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया इसको देने के लिए। ये मॉडल RMX 2030 2030। ठीक है, रियलमी 5i। तो इसमें पैटर्न लॉक है, तो या तो फिर आप UEFI से ISP पिन आउट करके कर सकते हो इसको, लेकिन फ्रेंड UEFI से करने में रिक्स है, क्योंकि अगर मान के चलो अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ UEFI में ISP पिन आउट के दौरान, तो या तो मोबाइल हैंग ऑन लोगों बना देगा या फिर डेड हो जाएगा। तो उसको रिकवर करने के लिए बहुत मगजमारी है, वो रिकवर नहीं हो पाता है, बहुत मगजमारी है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप UEFI से करें या फिर ऑनलाइन करवाएं। ठीक है, लेकिन एक और बात बता देता हूँ मैं, मार्केट में इतने चोर हैं फ्रेंड, इतने चोर हैं, बहुत ज़्यादा चोर हैं। चोरों से बचो, जो ट्रस्टेड आदमी है उनसे काम कराओ। और मैं वीडियो मेरा वीडियो बहुत लेट हुआ, क्योंकि फ्रेंड टाइम नहीं मिलता, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था फ्रेंड वीडियो डालने में। इंशाल्लाह फास्ट वीडियो आएगा, थोड़ा मैं वीडियो को फास्ट कर देता हूँ, टाइम लगेगा फ्लैशिंग में। ठीक फ्रेंड, लमसम फ्लैश करने में 10 से 15 मिनट या 5 मिनट लगेगी, क्योंकि जो मोबाइल की फ़ाइल बड़ी है ना, उस हिसाब से फ्लैश में टाइम लगेगा। इस मोबाइल की फ़ाइल बड़ी है तो टाइम लगेगा। ठीक है फ्रेंड, ये डन हो चुका है, मैं टूल को कट कर देता हूँ। ठीक फ्रेंड, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, जो भी ऑनलाइन बाइक अगर ऑनलाइन सेट करवाते हैं, सैमसंग, ओप्पो, रियलमी।